कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैं शिवम, आप देखना शुरू कर चुके हैं विंडो क्लासेस, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, मुख्य सचिव। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका प्रमुख पूछा गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन में, तो उस सिचुएशन में राइट आंसर है दोस्तों मुख्य सचिव। बट सेकेंड क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राज्य का कार्यपालिका प्रमुख पूछा जाता है, ठीक है, प्रशासन हट जाएगा, राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। उस सिचुएशन में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, राज्यपाल, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन दूर हो गया। दोनों क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने आप लोग को बताया है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुख्य सचिव, ठीक है, आपसे नाम पूछा जा सकता है मुख्य सचिव का, तो अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? अमिताभ जैन, ठीक है दोस्तों, ये नाम आपको याद रखना है। तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, इसमें आप किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, क्लियर है, याद रहेगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक माने जाते हैं, या छिंदक नागवंश के अंतिम शासक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी वंश के संस्थापक और अंतिम शासक पूछे जाते हैं, ठीक है, और क्षेत्र पूछा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, हरिश्चंद्र देव। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में अंतिम शासक दिया गया है तो हरिश्चंद्र देव है, ठीक है। अब वहीं पर आपको प्रथम शासक या फिर संस्थापक पूछा जाएगा, तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों नृपतिभूषण को, ठीक है, नृपतिभूषण प्रथम शासक है और संस्थापक है, प्रथम ही संस्थापक होता है, ठीक है। अगर आपसे संस्थापक पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों नृपतिभूषण। अगर यहीं पे आपसे दोस्तों क्षेत्र पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो क्षेत्र कौन सा है, नाम आपको याद रखना है दोस्तों बस्तर, ठीक है। बस्तर को पहले हम क्या बोलते थे प्राचीन काल में, चक्रकोट भ्रमरकोट। ऑप्शन में दोस्तों बस्तर की जगह चक्रकोट या भ्रमरकोट भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, नृपतिभूषण संस्थापक है ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए दोस्तों एराकोट, ठीक है, एराकोट अभिलेख से पता चलता है, ठीक है, नृपतिभूषण संस्थापक है और हरिश्चंद्र देव अंतिम शासक है, ठीक है दोस्तों। इतिहास का क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास से संबंधित हमने टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने ई बुक भी पब्लिश किए हैं 450 प्लस क्वेश्चन का, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप छिंदक नागवंश के वंशावली के बारे में पढ़ना चाहते हैं या कौन कौन से शासक हुए हैं ये जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिटेल शो हो रहा है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। सभी को मैं आप लोग को बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किस त्यौहार में स्त्रियां निर्जला उपवास करती है? यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, निर्जला शब्द आया है, ठीक है, तो कौन से त्यौहार में दोस्तों स्त्रियां निर्जला उपवास रखती है ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग पोला को टिक नहीं करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बट आपको इस क्वेश्चन का वास्तविक आंसर जानना जरूरी है, तो इस क्वेश्चन का वास्तविक आंसर है दोस्तों तीजा, ठीक है दोस्तों, तीजा त्यौहार। अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो तीजा त्यौहार नहीं है, इस कारण इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है। अगर तीजा रहता है तो आप तीजा को टिक करेंगे। इम्पॉर्टेंट त्यौहार है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग को मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी हमने दो त्यौहार मनाए हैं, एक है जन्माष्टमी और एक है हलषष्ठी, जिसे हम कमरछठ कहते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमरछठ त्यौहार स्त्रियाँ किस कारण रखती है? संतानों के लिए, पति के लिए,
इस प्रकार के ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को आगे करा दूंगा तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तीजा त्यौहार क्यों इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, आपको याद रखना है इसी समय जो नंदी बैले होते हैं मिट्टी का, उनका पूजा किया जाता है। साथ ही साथ प्राय सभी घरों में छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनते हैं, ठीक है। जो ठेठरी है, खुरमी है, पपची है, ठीक है, इस प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। और तीजा त्यौहार दोस्तों स्त्रियां मायके में जाकर रहती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आप लोग को एक शब्द बताया है निर्जला, तो निर्जला का मतलब होता है दोस्तों किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप याद रखेंगे पानी का भी सेवन नहीं करते हैं, इसी कारण दोस्तों निर्जला कहा जाता है। जो एक दिन का उपवास रहता है उसमें ना ही चाय पिया जाता है ना ही पानी पिया जाता है, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर का, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया था, कौन से वर्ष किया गया था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1871। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1857। इससे संबंधित आप लोग को फैक्ट बताता हूँ जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। समय आप याद रखेंगे 1857। 1857 में दोस्तों रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर के रूप में स्मिथ की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और आपको याद रखना है डाकघर में जो टिकट होता है, ठीक है, अभी भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसमें समय समय पर प्रमुख व्यक्तियों का चिन्ह होता है। जैसे महात्मा गांधी है, कोई जयंती आ गया तो उनका फोटो वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो जो टिकट होता है दोस्तों उस समय उसमें महारानी विक्टोरिया का चित्र होता था, ठीक है, और उसका मूल्य होता था दोस्तों एक आना, ठीक है दोस्तों। देखिए उस समय का ये पैसा है, ठीक है दोस्तों, एक आना, दो आना, उसके बाद 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे होता था, जिसे हम लोग जानते थे, ठीक है। बट ये पैसे अब चलन में नहीं है, अब आपको देखने को मिलेगा 1 रुपये, 2 रुपये, ठीक है। तो ये तथ्य आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 से भी और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इससे रिलेटेड मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सूची 1 में पर्यटन स्थल दिया गया है और सूची 2 में जिला दिया गया है, ठीक है। तो आपको सुमेलित करना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे कूट दिया गया है, ठीक है, इसके अनुसार आपको सही उत्तर देना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 4312। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को सही करने के लिए दोस्तों आपको सभी पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी आप सही कर सकते हैं। पहले नंबर देखिए ए, पचराही, ये कहाँ पे है दोस्तों, कबीरधाम, ठीक है, जिसे हम कवर्धा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। सेकंड देखिए दोस्तों बी ऑप्शन, चिटमिटिन माता मंदिर, ये कहाँ पे है, सुकमा में, तीसरा ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है सी ऑप्शन दोस्तों, गढ़धनोरा, ये कहाँ पे है, गढ़धनोरा कोंडागांव, पहला नंबर पे देखिए, ठीक है, कोंडागांव। उसके बाद है दोस्तों डी ऑप्शन, मड़ियाखोल, ये कहाँ पे है, राजनांदगांव, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अगर ये पता नहीं रहेगा तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, जो लास्ट में बचेगा उस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, तो सही रहता है, ठीक है, मगर उसके लिए आपको बाकी सही करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने देखे दोस्तों पचराही कहाँ पे है, कबीरधाम में है, चिटमिटिन माता मंदिर कहाँ पे है, सुकमा में है, गढ़धनोरा कहाँ पे है, कोंडागांव में, और मड़ियाखोल कहाँ पे है, राजनांदगांव में, ठीक है। पर्यटन स्थल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर भी पूछा जा सकता है और इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ग्राम पंचायत का एक पंच किस तरह अपने पद से हटाया जा सकता है। अभी तक आपने सरपंच के बारे में देखे, मुख्यमंत्री के बारे में देखे, कलेक्टर के बारे में देखे, बट इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको पंच के बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, प्रत्यावर्तन द्वारा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ की गायिका कौन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें।
जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ममता चंद्राकर। देखिए यहाँ पे पद्मश्री दिया गया है, तो ममता चंद्राकर को पद्मश्री कब दिया गया है, तो समय आपको याद रखना है दोस्तों 2016 को। ठीक है, ममता चंद्राकर को दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी पुरस्कार दिए गए हैं, उनमें से आपको प्रमुख पुरस्कार को याद रखना है, जैसे दाऊ मंदा जी सम्मान। ठीक है, दाऊ मंदा जी सम्मान दिया गया है, कौन से समय आपको याद रखना है दोस्तों 2012 को। ठीक है, 2016 में पद्मश्री मिला है, 2012 में दाऊ मंदा जी सम्मान मिला है। एक पुरस्कार और है जो 2013 में मिला है, कौन सा पुरस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ रत्न। ठीक है, छत्तीसगढ़ रत्न मिला है किसके माध्यम से, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो तीन पुरस्कार इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पद्मश्री 2016 में, दाऊ मंदा जी सम्मान 2012 में, छत्तीसगढ़ रत्न 2013 में। ठीक है, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो ये तीन पुरस्कार आपको याद रखना है, क्लियर है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। डिंडेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थल पर है, कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, बारसूर है, मल्हार है, रतनपुर है या दंतेवाड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मल्हार। मल्हार कौन से ज़िले में है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों बिलासपुर में। ठीक है, और आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पे जो मूर्ति है शुद्ध काले ग्रेनाइट के मूर्ति है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है शुद्ध काले ग्रेनाइट के। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, कौन से नदी के तट पे है, तो आपको याद रखना है दोस्तों लीलागढ़। ठीक है, लीलागढ़ नदी के तट पे है, तो इतना आपको याद रखना है, मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ। डिंडेश्वरी देवी का पूजित मंदिर मल्हार में है, मल्हार कौन से ज़िले में आता है, बिलासपुर में। ठीक है, कौन से नदी के तट पे है, लीलागढ़ नदी के तट पे। यहाँ पे जो मूर्ति है दोस्तों डिंडेश्वरी देवी का शुद्ध काले ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश करने के लिए क्या अर्हता वंचित है, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश के लिए आपको कितना पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं स्नातक है, आठवीं उत्तीर्ण है, पाँचवीं उत्तीर्ण है, बारहवीं उत्तीर्ण है या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। लाइवलीहुड कॉलेज से संबंधित हमने और क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर कोई शैक्षणिक अर्हता नहीं होती है। ठीक है, अनपढ़ भी वहाँ पे जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, वहाँ पे कोई शैक्षणिक अर्हता नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। डोलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ भारत में खालिस्तानी स्थान पर आता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों उत्पादन में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, प्रथम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, उस समय दूसरा स्थान था। ठीक है, उत्पादन में दोस्तों चेंजेस होता रहता है। ठीक है, तो उस समय दूसरा स्थान था, अभी प्रथम स्थान है। भंडारण में कोई चेंजेस नहीं होता है, उसमें चौथा स्थान है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इतना भंडारण है। ठीक है, मगर उत्पादन में क्यों चेंजेस होता रहता है, इसमें उत्पादन किया जाता है, खनन किया जाता है, तो किसी समय कम खनन हो गया तो वहाँ पे चेंजेस हो जाता है, दूसरा स्थान तीसरा स्थान में हो जाता है। ठीक है, मगर अभी आपको याद रखना है प्रथम स्थान पर है। डोलोमाइट अधिकतर कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, अधिक मात्रा में, तो वो आपको याद रखना है बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में कहाँ पे, हिर्री माइंस, आप लोगों ने नाम सुना होगा हिर्री माइंस। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों कटप्पा क्रम के सेल समूह से बनते हैं डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट किससे बनते हैं, कटप्पा क्रम के सेल समूह से। तो इतना आपको याद रखना है, प्रथम स्थान है उत्पादन में, भंडारण में चौथा स्थान है, कहाँ पे पाए जाते हैं अधिकतर मात्रा में, बिलासपुर के हिर्री माइंस में। ठीक है, कटप्पा क्रम के सेल समूह से बनते हैं क्या, डोलोमाइट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ, यहाँ पे समय दिया गया है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1795। समय आपको याद रखना है दोस्तों 1795। अगर शहीद वीर नारायण सिंह का पिता का नाम आपसे पूछा जाता है, तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों राम राय। ठीक है,
इनकी जाति पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, तो कौन से जाति के हैं दोस्तों? बिंझवार, बिंझवार जाति से आते हैं शहीद वीर नारायण सिंह। इतना आपको याद रखना है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग नीचे में देख सकते हैं, दो दो एग्जाम में पूछा गया है बैक टू बैक, ठीक है? अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मुख्यमंत्री का सचिव। अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों, ये आप लोग को कमेंट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कहाँ पे है दोस्तों? दुर्ग में है, बस्तर में है, रायपुर में है या फिर बिलासपुर में है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बिलासपुर। आप लोगों ने नाम सुने होंगे दोस्तों, एनटीपीसी, ठीक है, जिसे हम सीपत कहते थे, इन्हीं का नाम चेंज करके राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन रखा गया है, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेमरू प्रसिद्ध है, छोटा क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सीजीपीएससी 2020 के एग्जाम में देखने को मिला था, ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, हाथी रिजर्व के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अभी इसका विचरण क्षेत्र कम करने का निर्णय लिया गया है, इस कारण ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और अभी जो दोस्तों हसदेव अरण्य आंदोलन है उससे ये लिंक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन अनेक प्रकार से पूछे जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहे, दोस्तों को भी खुश रखें। जय हिंद।